चमत्कार की नगरी कुर्थिया में। हरिये मई महिमा तुहारी अपरंपरवा, आज माई दुआरिया तो करे बनिहारी सब आरावे, झूठी सभे बोले जयकारी। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस नए वीडियो पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपका भाई। भाई फिर से एक नया वीडियो और एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका है आप लोग के सामने। कुर्थिया गांव चंदौली जिला बबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पे साक्षात माँ शीतला नीम के पेड़ से निकली हुई है, जो काफी चर्चित है और संडे को यहाँ पे लग रहा है दरबार। जो मैं नजारे आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ, रूट मार्ग पूरा दिखाऊंगा, कैसे जाना है आप लोग को वहाँ पे, तो वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं, देखकर सबको दिखाते हैं नजारे। तो जैसा कि सामने वाला रूट मार्ग दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये रूट मार्ग सीधे चला जाएगा लेवा रोड और लेफ्ट राइट साइड में घूमेंगे आगे जाके तिराहा, राइट साइड में घूमेंगे तो लेवा चले जाएंगे, इधर तिराहा है जो आप चले जाएंगे भुरपुरा की तरफ। और ये वाला देखते हैं रूट मार्ग, ये रोड मार्ग है जो उस धाम पे आप लोग को लेकर जाएगा, और ये वाला रूट मार्ग है जो सीधा चला जाएगा आप लोग को नरहरपुर गौड़िहार कर्मा होते हुए चकिया की तरफ। तो आइए चलते हैं इस रूट मार्ग से हम लोग अंदर और चल के आप लोग को साक्षात दर्शन कराते हैं उस चमत्कारी नीम के पेड़ से निकली माँ शीतला का, जिसकी आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार है। हालांकि हमारे चैनल पे आप लोग वीडियो प्रॉपर देखते हैं, मगर मैं सोचा कि आप लोग को एक नया वीडियो लेकर आऊं और आप लोग को दिखाऊं नजारे। तो देख सकते हैं इस रूट मार्ग से हम लोग चलेंगे आगे गाँव में, जहाँ पे साक्षात दर्शन नीम के पेड़ से उस भक्त को माँ शीतला ने दी है, जिस भक्त की वजह से आज यहाँ पे काफी चर्चित पूरा गांव है पूरे जिले में। और तो दोस्तों, यह वो छोटा सा गांव है जहाँ का नजारा ही पूरा बदल गया है। साक्षात इस गांव में माता रानी का जब से विराजमान हुई है, जब से वैसेरा हुआ है, पूरे इस गांव का चंदौली जिला में काफी नाम है, काफी चर्चा चल रहा है इस गांव में। तो आइए देख सकते हैं, ये छोटा सा रूट मार्ग है और देख सकते हैं ये छोटे छोटे घर है और इन घर के बीच में से देख सकते हैं ये रास्ता निकला हुआ है, और इस रास्ता के माध्यम से हम लोग आगे तक चलते हैं और आप लोग को पूरा रूट मार्ग दिखाएं। ऐसे रूट मार्ग आ सकते हैं और एड्रेस में आप लोग को जैसा कि दोस्तों बता दें, अगर यहाँ का एड्रेस आप लोग को अगर कन्फर्म नहीं है तो मैं एड्रेस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग आ सकते हैं। तो सामने दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं वह चमत्कारी साक्षात नीम का पेड़ है, जिसके बगल में अड़हुल का फूल लगा हुआ है। और देख सकते हैं ये पूरा बाउंड्री जो किया गया है ना, ये बाउंड्री पूरा माता रानी का वही जमीन है जिनको साक्षात अवतारी मिली हुई है। तो आइए चलते हैं अंदर। पहले मैं सोचा कि आप लोग को वह नीम का नजारा दिखा दूं, और नीम में देख सकते हैं आप लोग को चुंदरी बांधा हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं सोचा आप लोग को कि पहले नजारा दिखा दूं नीम का। ये देख सकते हैं नीम का पूरा नजारा ये है, और झंडा भी लगा हुआ है जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और इसी नीम के पेड़ में से माता रानी ने साक्षात अपने भक्त को दर्शन दिए हैं, यही ये दास्ता है यहाँ का। आइए आगे चलते हैं और आगे चल के आप लोग को नजर दिखाते हैं उस धाम का। तो देख सकते हैं नजारा कुछ इस कदर है, देख सकते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ है यहाँ पे अभी। दरअसल भीड़ भाड़ यहाँ पे काफी है अभी, देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर भी पहले नहीं था, मंदिर अब मंदिर बन चुका है, जो मैं आप लोग को दिखा दूं नजारे, मंदिर अब काफी चर्चित हो गया है। और थोड़ा सा दिखा दूं दोस्तों यार, भक्त तो लोग का काफी उत्साह भी है, देखते हैं काफी भक्त लोग हैं और भक्त लोग आ भी रहे हैं अभी। और इधर भी दिखा दे नजारे इस कदर कुछ है। नीम के पेड़ में
जितने भी भक्त लोग आते हैं अपना मन्नत लेकर चुनरी एक चढ़ाते हैं और एक चुनरी नीम के पेड़ में बांधते हैं। पूरा जबरदस्त नजारा है जो आप लोग को, तो वीडियो हमारे साथ बना रहेगा। आइए, भाई आ चुका है तो पूरा भाई आप लोग को नजारा दिखाएगा और पूरा दृश्य दिखाएगा यहाँ का, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि बता दें, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पूछ रहे थे कितने भक्त के मंदिर कैसे बनेगा बिना नीम के पेड़ काटे हुए, तो मैं साक्षात आप लोग को दिखा दूं पहले नीम का। बिना नीम काटे दे सकते हैं माता रानी का वो स्थान है, जैसे कि मैं पहले आपको परिचित करा दूं उस स्थान से। तो दोस्तों जैसे कि दिखा दूं, वह स्थान यहाँ पे है जहाँ पे साक्षात माता रानी ने अपने इस गरीब भक्त को दर्शन दिया था पहली बार। तो देख सकते हैं दोस्तों यह वह स्थान है, यहाँ पे भी स्थान पे भी पूजा पाठ होता है, अभी भी होता है मंदिर बनने के वजह, मंदिर बनने के बाद भी। तो यहां से जो माता रानी ने दर्शन दिया था जिस रूप में, वो मूर्ति उठाकर इस मंदिर में स्थापना कर दिया गया है। तो दोस्तों मंदिर में स्थापना होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पे भी पूजा होता है माता रानी के, ऐसा आदेश माना जाता है। और उसके बाद दोस्तों दिखा दूं, बिना नीम के एक डाढ़ काटे हुए भी मंदिर का साक्षात स्थापना देख सकते हैं। इस प्रकार काफी बेहतरीन और भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, सब चमत्कार है माता रानी का ही। चारों बगला काफी खूबसूरत तरीके से, काफी बेहतरीन नजारे लग रहा है मंदिर का। मैं सबसे पहले आप लोग को चारों बगला पूरा मंदिर का नजारा दिखा दूं, फिर उसके बाद आप लोग को मंदिर में अंदर प्रवेश करूंगा, मंदिर मंदिर जाने के बाद पूरा मंदिर का नजारा दिखाऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा एक बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद में आप लोग को एक बेहतरीन अपडेट देने वाला हूँ चमत्कार की नगरी कुर्थिया गांव में। भाई फिर से आप लोग के साथ आ चुका है, आने के बाद फिर भी दोस्तों दिखा दूं आप लोग को नजारे में, आप लोग को बेहतरीन दिखाऊंगा। देख सकते हैं जैसा कि फिर से मैं दिखा दूं, चारों बगला नीम के पेड़ में आप लोग ऐसे चुनरी लटकते हुए नजर आते हैं, दिखाई दे रहे होंगे। यह वो चुनरी है जो भक्त लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी जो भी मनोकामना और मन्नत होती है मांगते हैं, उनका मन्नत मनोकामना मानने के बाद चुनरी पूरा नारियल चुनरी इस मंदिर में चढ़ाते हैं और एक नारियल चुनरी लेकर आकर इस नीम के पेड़ के पास बांधते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों नजारा कुछ इस कदर है, बिना एक भी डाल काटे हुए साक्षात मंदिर का नजारा जो भाई आप लोग को दिखा रहा है, जो बनकर भव्य तैयार हुआ है, आप लोग जो नजारे देख पा रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम होता है माता रानी से डायरेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे चमत्कार आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, जो भी होता है साथ साथ माता रानी मारती है सबका दरबार। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं, देखते हैं साक्षात मंदिर का बेहतरीन नजारा जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और मंदिर के सामने ठीक देख सकते हैं नंदी जी महाराज का स्थापना यहाँ पर कर दिया गया है, और आगे देखते हैं शिवलिंग है भोलेनाथ का। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के अंदर भी चल के दिखाते नजारे, जो साक्षात बन गया है मंदिर। तो देख सकते हैं यह वो मंदिर है। यहाँ पे सामने माता रानी का प्रतिमा बैठा दिया गया है, और उसके बाद वह मूर्ति यह है दोस्तों जो माता रानी ने साक्षात नीम के पेड़ में दर्श दिया था, यह वो मूर्ति है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सीधा। यह वो मूर्ति है जो माता रानी ने अपने भक्त को, अपने इस गरीब भक्त को पहली बार नीम के पेड़ में साक्षात दर्शन दिया था। और देख सकते हैं बगल में भोलेनाथ का भी प्रतिमा शिवलिंग स्थापना कर दिया गया है। तो मंदिर के अंदर का नजारा कुछ इस कदर है, जो काफी भव्य और काफी खूब बेहतरीन हो गया है अब। और मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे शिवलिंग भी, शिवलिंग का भी स्थापना यहाँ पे हो गया है। अंदर का नजारा कुछ इसके डर है, ऊपर का आवत है ना,
तो मंदिर के अंदर का नजारा आप लोगों ने देखा, अब मैं सामने से आप लोगों को मंदिर के बाहर का नजारा दिखा दूं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यह साक्षात माता रानी का चमत्कार, कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा लोगों के बीच में ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और वीडियो मेरा नेक्स्ट आप लोग को जल्दी जल्द अब हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। चलिए यहीं से वीडियो करते हैं क्लोज और आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे एक अदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।